सबसे पहले तो ये मेरा जो रूम है ये एक एक्स्ट्रा रूम है, ये हमारे घर के नीचे है। सो बेसिकली एक म्यूजिक रूम है, मैं इसका एक टूर देना चाहती हूँ। उसके बाद बिकॉज आई एम डूइंग MBA और अभी कोरोना के कारण मेरे जितने भी ट्राइमेस्टर्स हैं वो सारे ऑनलाइन चल रहे हैं, जूम पे चल रहे हैं। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कैंपस में कैसी सेटिंग होती है, क्या होता है। जो वहाँ की धमाल मस्ती होती है वो तो हम डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, लेकिन हाउ आई स्टडी ऑनलाइन और कैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कैसे कमिटी का काम करते हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स जो बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे जो MBA करना चाहते हैं या फिर जस्ट इन जनरल जानना चाहते हैं। सो आई विल बी शेयरिंग माई MBA व्लॉग्स, माई स्टडी व्लॉग्स, जो मैं जिस तरह से पढ़ती हूँ, जिस तरह से हमारी मीटिंग्स होती हैं, जिस तरह से मुझे मल्टीपल चीज़ें मैनेज करना होती है। सो आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू। लेकिन अभी फटाफट से एक क्विक टूर कर लेते हैं हमारे म्यूजिक रूम का। यहाँ पे एक्चुअली गिटार क्लासेस चलती हैं। सो ये एक अलग से सेटअप बना के रखा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर जहाँ पर अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पर एक टेबल है और एक यहाँ पर बुक्स रखी होती हैं गिटार की, इफ यू कैन सी, आई थिंक या सो इस तरह की गिटार की कुछ बुक्स हैं हमारे पास। तो जो लोग सीखते हैं वो इसे रेफर करते हैं, और दो मुझे गिटार प्ले करना नहीं आता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टूर। बहुत सिंपल सा रूम है, बहुत फैंसी सा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक वाइट बोर्ड है तो जो भी चीज़ें होती है वो यहाँ पर पढ़ाई जा सकती हैं। देन यहाँ पर एक स्पीकर है एंड उसके ऊपर सैनिटाइजर है ऑफकोर्स। देन वी हैव यहाँ पर एक और स्पीकर है, उसके ऊपर एक स्टैंडिंग माइक है एंड इस माइक का यूज करके वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट। देन एक गिटार है जिसका स्टैंड है, जिसका कवर है प्रॉपरली। देन वी हैव अ केसियो। देन वी हैव अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स इन दिस बॉक्स। तो बहुत सारे वायर्स, केबल्स हैं और इसके ऊपर नेमिंग्स भी डली हुई हैं, तो किसी को भी अगर कुछ ढूंढना है तो बहुत इजीली मिल जाता है। एंड देन यहाँ पर है स्पीकर और इसमें बहुत सारा सामान है। देन यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल सा सिटिंग अरेंजमेंट है थोड़ा सा, और कारपेट बिछा के रखा हुआ है हम लोगों ने, सो दैट जितने भी लोग आए सब अकोमोडेट हो जाए। एंड यहाँ पर एक बेडिंग है जैसे कि अगर बाय चांस कोई ज्यादा लोग आ जाते हैं तो इस पे भी बैठ सकते हैं। सो दैट्स इट। सो बेसिकली ना मैं यहाँ पर बहुत कम आती हूँ, इस एरिया में तो बहुत कम आती हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना प्यारा ऑर्गेनाइज हो चुका है कि यहाँ पर अगर मुझे कुछ पढ़ना है तो आई कैन यूज दिस बोर्ड, अगर मुझे सोना है तो मैं बीच में सो भी सकती हूँ। यहाँ पर बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम आराम से बैठ के अपना काम भी कर सकते हैं, बिकॉज जनरली मुझे लैपटॉप पे होना होता है और अगर लैपटॉप पर नहीं होना होता है तो मुझे दूसरे कामों के लिए नोटबुक्स और बुक्स पढ़ना होती है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारी ई बुक्स में है। सो एनीवे मुझे हर समय ऑनलाइन और डिजिटली ही पढ़ना पड़ता है, तो अलग अलग जगह पर होता है ना तो अच्छे से पढ़ाई होती है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब मैं यहाँ पर पढ़ूँ, लेकिन अब हम चलेंगे ऊपर एंड आई विल स्टार्ट माई स्टडी व्लॉग। हम कुछ काम करने वाले हैं, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाली हूँ मैं जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, तो स्टे ट्यून्ड। तो आई हैव स्टार्टेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना टेबल अरेंज करना स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिकली मैं अपनी जगह चेंज करती रहती हूँ जहाँ मुझे पढ़ना है। कभी मैं ओपन स्पेस में पढ़ती हूँ, कभी मेरा टेबल जो है वो दीवार के पास लगा हुआ होता है, कभी मैं उसे अपने बेड के पास लेकर आ जाती हूँ, बिकॉज बहुत लंबे आवर्स के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। कंटिन्यूसली वी हैव टू बी ऑन लैपटॉप। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो क्लटर है उसको हटा रही हूँ। मेरे जितने भी पेन्स हैं वो मैंने सारे अपने पाउच में रख लिए हैं। देन मेरे पास एक वाटर बॉटल हमेशा होती है और मैंने ये सब कुछ जमाने के बाद, सब अरेंज ऑर्गेनाइज करने के बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। सो मुझे अपने लाइफ प्रोजेक्ट का भी काम करना था, मुझे अपने प्रेजेंटेशन का भी काम करना था,
सो मैं ये लगातार अपना काम करती जा रही हूँ। मैं अपने पास हमेशा एक वाटर बॉटल रखती हूँ, बिकॉज़ पानी पीना बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, तो मैं बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ। और मैं अपना टेबल क्लटर फ्री रखने के लिए सिर्फ एक डायरी जो मुझे यूज़ में आ रही थी, और एक पाउच जिसमें मेरा स्टेशनरी का सारा यूसेज यूटिलिटी का सामान होता है, बस उतना रखती हूँ मैं, एंड दैट्स इट। तो मैंने इस बस अब आप इंजॉय करिए मेरा स्टडी ब्लॉग। मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा चाय वाय पी, थोड़ा इंजॉय किया। फिर मैं टेरेस पे भी गई थी, लेकिन क्योंकि अंधेरा था इसलिए मैं उसे शूट नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं डेली छत पर जाऊंगी गार्डनिंग करने के लिए, तब मैं डेफिनेटली शूट किया करूंगी। टिल देन एन्जॉय द स्टडी ब्लॉग। बाय बाय।